गीता कौड़ा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कि इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। 1932 का जब खतियान लागू हुआ तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा कोल्हान जो है कोई भी 1932 के खतियान का अंग ही नहीं, क्योंकि 56 के बाद कोल्हान बिहार का झारखंड का पार्ट बना। तो उनको कोई वास्तविक स्थिति नहीं पता है, उनको पता है कि चाईबासा जो सीट थी उनके हाथ से निकल गई, इस कारण से आरोप लग रहा है। जहां तक मधु कौड़ा का सवाल है, मधु कौड़ा जी के ऊपर जितने केस हुए कांग्रेस के जमाने में हुए, कांग्रेस ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। करप्शन के जितने 4 सीट हैं वो कांग्रेस के जमाने में ही जमा हो गए हैं। ये सारे केस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो यदि न्यायपालिका को कांग्रेस खरीद पाती होगी तो खरीद पाती होगी। मोदी जी के नेतृत्व में तो न्यायपालिका अपना ईमानदारी से काम करती है, और हम जैसे आम आदमी ये समझते हैं कि आज भी इस देश में न्यायपालिका एक ईमानदार है, सुगम है, सुलभ है, और इसीलिए भारत का लोकतंत्र जीवित है।